अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों के लिए लोशन घर में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैंने लिए ग्लैसरीन, और मैंने रोज़ वाटर लिया है, और मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, और मैंने सफ़ेद तिल का ऑयल लिया है, ओलिविन ऑयल लिया है, वैसलीन है, और मेरे पास है बादाम का ऑयल और लीमू है। ये वैसलीन जो है, ये मैंने पूरी जो है पैकिंग है इसकी पूरी, ये पूरी की पूरी डालूंगी। बाकी मैं जो ये सारा आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो ये मैं डालूंगी 20 मिलीलीटर। हर जो ऑयल है ना, वो 20 मिलीलीटर ही डालूंगी मैं। तो ये मैं इसमें से 20 मिलीलीटर एक बॉल में डाल के, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। 20 मिलीलीटर ही मैंने लीमू का जो है वो वाटर लेना है। तो चलिए, अब मैं बताऊंगी आपको कि ये कैसे मैं तैयार करती हूँ। तो ये मैंने सारा जो भी था, हर वैसलीन की पूरी शीशी और बाकी सारे ऑयल जो थे वो मैंने 20 मिलीलीटर डाल लिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से फेंटूंगी। तो ये जो है ना, वो लोशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और ये इसका जो है वो बना है, इस तरह का लोशन क्रीम बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप दिन के वक्त भी लगा सकती हैं, रात को सोते वक्त भी लगा सकती हैं। तो आप एक दो दफ़ा लगाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि सर्दियों में जो जल्द ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए ये कितनी फ़ायदेमंद है। हाँ जी, फ़िलहाल मैंने इसमें पूरी जो लोशन बना है वो मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब मैं कोई डिब्बी खाली देख के तो थोड़ी सी उसमें डालूंगी। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें कैसी सॉफ्ट बनी है, और बहुत ही ये है जो है वो आपके जिल्द के लिए बहुत ही अच्छी है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।